नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कैथल के RKSD कॉलेज में आपातकाल के विरोध में भाजपा द्वारा काला दिवस मनाने पहुंचे सांसद नायब सैनी का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। जैसे ही किसानों ने RKSD कॉलेज के सामने सांसद को घेरने का प्रयास किया तो पुलिस ने भाकियू जिलाध्यक्ष होशियार सिंह गिल सहित करीब 10 किसानों को हिरासत में ले लिया। जैसे ही किसानों को किसान नेताओं की गिरफ्तारी का पता चला तो किसानों में रोष फैल गया। जिले भर से सैकड़ों किसान एकत्रित होकर थाना शहर पुलिस में आ धमके तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस की सांसें उखड़ गई। बाद में किसानों ने शहर थाना के मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना था कि सरकार किसानों के धैर्य के परीक्षण न ले। किसानों की मांग थी कि जब तक DSP माफी न मांगे वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडी और HRDF फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय फल सब्जियों पर मंडी फीस को शून्य कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले लॉकडाउन के दौरान इसे बढ़ाकर 2% कर दिया है। किसानों और व्यापारियों पर एक और मार मारते हुए अब सरकार ने मंडी और HRDF फीस को 1% से बढ़ाकर सीधे 4% कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि मंडी फीस का आखिरकार अप्रत्यक्ष तौर पर असर किसानों पर ही पड़ता है, क्योंकि व्यापारियों से फीस ज्यादा वसूल की जाएगी तो वो इसकी वसूली किसानों से करेगा और उनको कम भाव देगा। स्पष्ट है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की महंगाई, महामारी और मंदी के बाद किसानों को एक और बोझ डालने का काम किया है। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 2 साल के कोरोना काल के दौरान प्रदेश की गठबंधन सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जो कि बड़े हैरान करने वाली बात है। इससे साबित होता है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरियाणा सरकार के कारनामों की जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा के लिए भाजपा व कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इनेलो नेता ने कहा कि किसान आंदोलन को इनेलो का पूरा समर्थन है और केंद्र सरकार तुरंत किसानों से वार्ता शुरू कर इन 3 काले कानूनों को वापस ले। हरियाणा के शिक्षा तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार की जाने वाली फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाया जाएगा, ताकि स्कूल अपनी मनमर्जी से ज्यादा फीस न वसूल सके। साल में 8 से 10% से अधिक की फीस बढ़ोतरी को किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कंवरपाल गुर्जर ने यह बात करनाल में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही। हरियाणा में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। करनाल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली और लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं किया गया है, एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। वहीं 12वीं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट पर उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, 31 जुलाई से पहले रिजल्ट आ जाएगा। वहीं एक फार्मूला बनाया गया है, उसी आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि स्कूल खोलने को लेकर क्या स्थिति है तो उन्होंने फिलहाल साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि बच्चों से लेकर अभिभावक टीचर सब डरे हुए हैं। स्कूल ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बाजार या फैक्ट्री हो, इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। कब तक स्कूल खुलेंगे इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ने चढ़ूनी और टिकैत पर लगाए कई आरोप। गुणी प्रकाश ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी 2-2 चुनाव यानी विधानसभा और लोकसभा का लड़ चुके हैं। दोनों बार जमानत जब्त हुई और राकेश टिकैत भी चुनाव लड़कर अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। इन्हें किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। गुणी प्रकाश ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी व राकेश टिकैत पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के भी आरोप लगाए हैं। गुणी प्रकाश ने कहा कि किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर शरद जोशी और उन्होंने वर्षों तक ये कृषि कानून बनाए जाने के लिए आंदोलन किया। अब जब किसानों के लिए कोई कानून बना और किसानों को कृषि फसल पूरे देश के किसी भी कोने में बेचने और आढ़तियों से आजादी मिली तो ये राजनीति से प्रेरित होकर किसानों को गुमराह करने के लिए खड़े हो गए। देखा जाए तो कृषि कानूनों से नुकसान आढ़तियों को हुआ है और लड़ाई किसानों के कंधे पर रखकर ये लोग लड़ रहे हैं। इफ्को ने बेहतर पैदावार को लेकर किसानों को परंपरागत यूरिया से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से विश्व का पहली तरल नैनो यूरिया मार्केट में उतार दिया है। शुक्रवार को SDM रविंद्र यादव ने इफ्को किसान सेवा केंद्र रेवाड़ी अनाज मंडी में समारोह में किसानों को तरल नैनो यूरिया सौंपकर इसका शुभारंभ किया। SDM ने कहा कि नैनो यूरिया के आने से न केवल किसानों को खाद के भारी बैग उठाने से छुटकारा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों की आय भी दोगुनी होगी। वहीं यह तरल यूरिया खेती और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि किसान इसका इस्तेमाल करके मृदा और पर्यावरण दोनों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने स्नातकोत्तर कक्षाओं की द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि डेटशीट जारी करने की जानकारी विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, संस्थानों, संबंध कॉलेजों के सभी अध्यक्षों, निदेशकों व प्राचार्यों को उपलब्ध करा दी गई है, ताकि छात्रों को परीक्षा के बारे में सूचित किया जा सके। हरियाणा पुलिस को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। केंद्रीय विदेश मंत्री भारत सरकार एस जयशंकर ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन कार्य के तेजी से निपटान में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए हरियाणा पुलिस के प्रयासों की सराहना की है। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पासपोर्ट सत्यापन के मामलों में हरियाणा पुलिस की सराहना की है। हमारे संयुक्त प्रयासों और व्यक्तिगत निगरानी ने इस पूरी कवायद में अहम भूमिका निभाई है। डीजीपी ने पासपोर्ट आवेदकों का शीघ्र और सटीक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और सभी जिला एसपी के साथ सफलतापूर्वक समन्वय करने के लिए एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल को भी बधाई दी है। यह बहुत गर्व की बात है कि हरियाणा पुलिस द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही पासपोर्ट सत्यापन सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने इसके लिए सभी इकाइयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर जिले को 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ साथ किसी तरह की उत्पीड़न संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां यानी अत्याचार निवारण नियम 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और समय समय पर इसकी उचित निगरानी भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हर 6 महीने में की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को विकसित करके प्रदेश को फार्मा एवं ड्रग उद्योग का हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए हरियाणा में उद्योग स्थापित करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के साथ VC के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान अध्यक्षता करते समय ये बात कही। प्रदेश में अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होने लगा है। जिला परिषद के बाद अब पंचायत समिति के वार्डों का आरक्षण भी पूरा हो गया है। अब केवल ग्राम सरपंचों का आरक्षण कार्य पूरा होना बाकी है, जो इसी महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करें बहादुरगढ़ पंचायत समिति की, तो बहादुरगढ़ पंचायत समिति के 30 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ के 44 गांव में पंचायतों के वार्डों का आरक्षण का काम भी पूरा कर लिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब गांव में भी चुनावी शोरगुल शुरू हो जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अब गांव-गांव और घर-घर जाकर दस्तक देंगे। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट भी पहले से ही तैयार की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की सार्थक पहल की है। बाजरा उत्पादक जिलों में मूंग, अरहर, अरंड व मूंगफली की खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को अपने खेतों में बाजरा की फसल के स्थान पर दलहनी व तिलहनी फसलों को लगाने के अनेक लाभ हैं। दलहनी फसलों से एक ओर जहां भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने से खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल यानी www.fasal.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस सपने को सच करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 11 साल बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती निकाली है। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कुल 927 पदों पर भर्ती होनी है। आंगनवाड़ी सहायिका के 496 पदों के लिए उम्मीदवारों का 5वीं पास होना जरूरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 408 पदों के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक 10वीं पास रखी गई है। सभी प्रमाण पत्रों के साथ आवेदकों को विकास भवन में आवेदन करना है। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, लेकिन अगर कोई हाई स्कूल, इंटर या स्नातक है तो वरीयता में वह ऊपर आ जाएगा।
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली में आपके लिए बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने TGT, पटवारी, हेड क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, काउंसलर, असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। DSSSB ने कुल मिलाकर 7,236 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जो अभ्यर्थी 24 जून तक आवेदन नहीं कर पाए वो अब 4 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार DSSSBonline.NIC.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या 7,236 पद हैं। TGT के लिए 32 वर्ष, असिस्टेंट टीचर, काउंसलर, हेड क्लर्क के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के चयन के लिए कुल पदों के लिए 1 टियर टेस्ट होगा, जबकि कुछ पदों के लिए 2 टियर टेस्ट होगा।